हेलो हेलो हेलो, साउंड क्लियर है भाई? सभी को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है कि नहीं? चलिए क्लास स्टार्ट करें भाई। आज का अपना सेशन है सीडीपी का और सीटेट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं और ये क्लासेस आपकी चलती ही रहेंगी। और सीटेट के लिए सीडीपी की ये क्लास कंटिन्यूस रहेगी, हमेशा आपको मिलती रहेगी। इसमें क्या है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराते हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पेपर्स को, ऑनलाइन शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उन सभी पेपर को एक एक करके आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। सीडीपी को खासकर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सीडीपी जो आती है वो रिपीटेड क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो बाकी आपका समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हमारे कंटिन्यूस हैं, वो डेली के डेली पढ़ ही रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। जो नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, लाइट के लिए थोड़ा सा इश्यू रह सकता है, इतना खुल देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टेटमेंट दे रखा है, शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। शिक्षकों को क्या होना चाहिए? बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। अगर ये सही बात नहीं होती तो फिर बीटीसी का कोर्स क्यों कराते, डीएलएड क्यों कराते, बीएड क्यों कराते, बीपीएड क्यों कराते, एमएड क्यों कराते? क्योंकि टीचर्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। जैसे मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ, भविष्य में आप टीचर बनेंगे, तो कहने का मतलब एक ऐसा टीचर बनना है जो कुछ बिंदुओं को फॉलो करता हो। कहने का मतलब मेरा भाई ये है कि टीचर को क्या होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बाल विकास के बारे में पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पर आरटीई एक्ट 2009 की, तो इसकी जो धारा 17 है, अब देखिए धारा 17 है, उसके अंतर्गत साफ साफ बताया गया है कि आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। अलग अलग जैसे धारा 22 में बताया गया है कि विद्यालयों को मान्यता कैसे मिलेगी, ठीक, तो उनमें यह भी बताया गया है, तो बच्चों को फ्री में एजुकेशन कैसे मिल सकती है, ये सारी चीजों के बारे में बात की गई है कहीं ना कहीं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में किसको पता होना चाहिए, शिक्षकों को गहन समझ होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बच्चों के अब तर्क क्या है इस बात को, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर, अब टीचर क्या करता है, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण मीनिंगफुल बनाएगा और रोचक बनाने का, इंटरेस्टिंग बनाने का कार्य करेगा स्टूडेंट्स के लिए। टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम है क्लासरूम के अंतर्गत आना, जो उसका करिकुलम है, करिकुलम को वातावरण के साथ जोड़ना और उस करिकुलम को ऐसे पढ़ाना जैसे वो इंटरेस्टिंग बन जाए बच्चों के लिए, मीनिंगफुल बन जाए, और उनको चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर जानकारी है तो वो ऐसा कर पाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो ये बात इसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है, तो मेरे को तो दोनों बात सही लगी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मेरे भाई, वह है सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास, अब विकास की बात करें तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह कंटिन्यूस फॉर्म में चलता ही रहता है। विकास के चरण लगभग एक जैसे ही होते हैं सभी बच्चों के लिए, लेकिन उसकी जो गतिशीलता है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक। तो यहां पर बात करें विकास कैसा होता है, निरंतर होता है, सतत प्रोसेस है, ठीक है, रुक रुक कर होता है, आप कैसे कह सकते हो रुक रुक कर होता है, बच्चों का विकास कभी भी रुक रुक कर नहीं होता है, वो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति आधारित होता है ना जीना, फिर तो पंजाबी वाला बहुत ज्यादा पड़ जाए, बहुत ज्यादा विकसित हो जाए, और हिंदी वाला कम विकसित हो, हिंदी वाला ज्यादा विकसित हो जाए, पंजाबी वाला कम विकसित हो, तो ऐसा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो ये भी बात कहना गलत होगा, आनुवंशिकता पर नहीं, ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है और उनकी अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो विकास क्या है, ये विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं, वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर है मेरे भाई? थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा।
समाजीकरण का की एक प्राथमिक संस्था जबकि समाजीकरण का की द्वितीयक संस्था है, यानी कि एजेंसीज के बारे में बात की गई है। तो दो प्रकार की एजेंसी होती है मेरे भाई, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका परिवार और एक आता है आपका आस पड़ोस। क्या आता है? आस पड़ोस आता है। तो दो चीजें आपको प्राइमरी एजेंसी का पार्ट देखने को मिलती है, जबकि अगर हम सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको स्कूल देखने को मिलेगा, मीडिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी देखने को जो है, लाइब्रेरी भी कहाँ मिलेगी, इसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। अगर धर्म की बात करते हैं तो ये भी सारी की सारी चीजें यहीं पर देखने को आपको मिल जाएंगी। तो समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था क्या है? तो परिवार की बात करें तो ये एक प्राथमिक संस्था होती है, पुस्तकालय नहीं होता, सामाजिक नीति द्वितीयक संस्था, कानून भी द्वितीयक संस्था है, लाइब्रेरी भी द्वितीयक संस्था है। तो परिवार क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो परिवार, ठीक है मेरे भाई। तो परिवार समाजीकरण का की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि दूसरा क्या है? विद्यालय। विद्यालय क्या है आपका? विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। विद्यालय कभी भी प्राथमिक संस्था में नहीं आता है, विद्यालय हमेशा सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट रहता है। तो आपको परिवार और विद्यालय से ही आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के बारे में है, और जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। मतलब सीधे सपाट तरीके से समझने वाली बाधा को दूर किया जा सके, तो जीन पियाजे ने क्या कहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्कीमा या संरचनाएं, देखिए कोई भी कोई भी चीज है, जैसे आप पहाड़ों पर घूमने गए, तो आप पहाड़ों पर घूमने गए तो आपने देखा कि पहाड़ों पर जब हम घूमने गए तो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, छोटे छोटे झरने निकलते हैं, वाटरफॉल्स निकलते हैं। पहाड़ों पर आपको जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं, पहाड़ों पर आपको शेर भी देखने को मिल सकता है, हाथी भी देखने को मिल सकता है, बादल भी आपको आसपास देखने को मिल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो ये स्टूडेंट के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, पेड़ पौधे होते हैं तो ये सभी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये सभी दिमाग में बच्चों के कॉन्सेप्ट बन जाता है, व्यक्ति के कॉन्सेप्ट बन जाता है कि पहाड़ों पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं यहाँ, कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट बनता है इसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ये एक जनरल फॉर्मेट में बन जाता है, लोग समझते हैं कि फिर ऐसा ही है हर जगह जिनके स्कीमा होता है। तो क्या करते हैं, समायोजन की समायोजन के अंतर्गत आएगा। जैविक परिपक्वता, संक्रियात्मक अवस्था, समावेशन आपका सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतीकवाद की अवधारणा, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? तो यहाँ पर अगर बात करें संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था आपके 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपके 11 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है मेरे भाई? तो ये जो प्रतीकवाद का सिद्धांत है ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का भाग होता है। किसका पार्ट होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पार्ट होता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। निकटस्थ विकास के क्षेत्र में की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की बात करें तो इसको बोलते हैं हम ZPD। क्या बोलते हैं? ZPD। इसको बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है? ZPD। ZPD का मतलब क्या होता है? ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है मेरे भाई? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको, ZPD को। क्या बोलते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए कि आपका एक स्टूडेंट है राजू,
क्या है मेरे भाई, आपका एक स्टूडेंट है राजू, एक टेस्ट लिया आपने और टेस्ट था 150 नंबर का। कितने नंबर का टेस्ट था? तो टेस्ट था आपका 150 नंबर का। 150 नंबर के टेस्ट में आपने इच्छा की कि राजू के कम से कम 120 प्लस नंबर आएंगे, 120 नंबर आएंगे, लेकिन राजू का हुआ क्या, 120 नंबर ना आकर राजू के कितने आए, राजू के मात्र और मात्र 80 नंबर आए। तो ये जो विकास का डिफरेंस है, ये जो विकास का डिफरेंस है, वास्तविक विकास आपने संभावित क्या किया था 120 का, लेकिन वास्तविकता क्या आई 80 की आई। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिला, इसी के स्तर के, इसी स्तर को क्या बोलते हैं हम, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसकी जो बात की गई थी लैब बायगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत बात की गई थी लैब बायगोस्की के द्वारा, इनके द्वारा प्राइवेट स्किप प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की गई थी और स्कैफोल्डिंग या निपाण या ढांचे के बारे में भी बात इनके द्वारा की गई थी। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें से, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब बायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, अब देखिए इस प्रश्न को मैं बिना पढ़े भी आंसर लगा सकता हूं, आप बोलोगे सर कैसे, तो देखिए लैब बायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, यानी कि आप पॉजिटिव ही आंसर देना है, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है आपको उत्तर देना, आप नहीं दे सकते, प्रतिबंधित नेगेटिव वर्ड है, आप उत्तर नहीं लगा सकते। क्लियर है मेरे भाई? इसके बाद प्रतिस्पर्धा नेगेटिव वर्ड है, आप उत्तर नहीं लगा सकते। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कतई पढ़ने की आपको इस सवाल को जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बिना पढ़े भी आंसर लगा सकते हैं, आप इसका आंसर लगाइएगा, छापिएगा और देखिएगा क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम बिना पढ़े ही लगाएंगे, ठीक, क्योंकि अब आपको हम बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ा चुके हैं। चलिए भाई, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून एवं लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता के किस अवस्था में, कोलबर्ग नैतिक विकास के किस चरण की अवस्था में परिलक्षित होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत है और हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर छापते हैं, इसका आंसर हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है मेरे भाई? तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देखेंगे उनका नाम जरूर लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए, तो ये अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, सीसीई होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बहुत आसान था, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? गतिशीलात्मक बुद्धि, तो भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं को तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिक स्थान पर चित्रात्मक चिंतन करने की और दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। यह आप प्रश्न सोच रहे होंगे आया कहां से, यह आया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, किसने, हार्वर्ड गार्डनर, यहां पर अगर बात करते हैं मेरे भाई तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। किसका सिद्धांत दिया गया था? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक। और इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार की बताया था? आठ प्रकार की बताया था, जिसमें से पांचवें या चौथे नंबर की है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो कि तरण शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना चाहिए, इसके बारे में बात करती है, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? यहां पर अगर बात करें शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करना, तो ये स्पेशियल इंटेलिजेंस को बताता है, स्थानिक बुद्धि के बारे में थोड़ा सा शो कर रहा है। क्लियर है मेरे भाई? स्पेशियल, ठीक, स्पेशियल इंटेलिजेंस। समस्याओं को तार्किकता, इसको लॉजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखा जाएगा आपका, और भाषा को इसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो हमने अपनी वीडियो बना दी है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो 10 क्वेश्चन हमने आपको आज की इस वीडियो में कराए, इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं तो फिर हमको भी अच्छा लगता है और जाहिर सी बात है हम आपके लिए नए नए सेशंस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।